हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरा कहना बनता है और वो मैं कहूँगी भी। और लेकिन मुझे चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि आज नेशनल हेल्थ आईडी का जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जो ऐलान हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज किया है, तो उस पर काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी हैं कि ये एक्चुअली हेल्थ आईडी है क्या। मैंने लाइव वीडियो पोस्ट की थी और उसमें काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस पढ़ना चाहती हूँ। शिवानी बागी ने पूछा है कि क्या मतलब है इस हेल्थ आईडी का। एंड स्वप्निल कामले, इन्होंने भी पूछा है कि आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ आईडी इट विल बी, अ स्मार्ट कार्ड आईडी और आरएफआईडी चिप टैटू, although in both the cases our entire personal medical information will be clouded. Anyways, पहले आप ये सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आखिर बोला क्या था। ये मैं प्ले कर रही हूँ दोबारा। भारत के हेल्थ सेक्टर में एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी, प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाता। बीमारी मैं दोबारा दोबारा चला रही हूँ। प्रत्येक भारतीय नोटिस दो। उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी आपकी, हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस आएगा। दोबारा सुनिए, प्रत्येक भारतीय को आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। प्रत्येक हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। प्रत्येक भारतीय का स्वास्थ्य खाता। हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको। तो यहाँ आपने देख लिया कि प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी और कब किसने कौन सी दवाई ली, क्या ट्रीटमेंट हुआ है, सारी जानकारी इसमें होगी। तो वन थिंग इज़ तो श्योर कि इसमें यह भी जानकारी होगी कि किसको वैक्सीन मिली है और किसको नहीं मिली है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, पहली चीज़ तो ये बात करें, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको क्या ट्रीटमेंट मिला है, क्या नहीं मिला है। तो सर, जनमानस का तो कोई फ़ायदा नहीं है। रेदर आप जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कराते थे वो भी नहीं करा पाएंगे, प्राइवेसी सारा लूज़ होगा, और उतना भी कोई दिक्कत नहीं था, चलो कोई बात नहीं। बट ये क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या प्लानिंग थी, पहले मैं क्रक्स में आपको बता देती हूँ, फिर मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी, क्योंकि लोगों को बोलने का मौका मिलता है एक्चुअली, कि क्योंकि मेरी फेसबुक टाइमलाइन में बहुत पोस्ट होती हैं प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो लोग कहते हैं बिकॉज आई एम अ ब्लाइंड हेटर, तो इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं जो जो बात बोलूँगी उसे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपको दिखाऊंगी। पहले मैं क्रक्स बता देती हूँ। आज की डेट में आप जान रहे हैं मास्क इज मैंडेटरी। आप जानते हैं कि हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है तो हमें 72 घंटे पहले की रिपोर्ट दिखानी पड़ती है कि हम जो है नेगेटिव हैं। अब आगे ये कैसे होगा, आगे आपको दिखाना पड़ेगा हम वैक्सीनेटेड हैं। बच्चों को स्कूल में तब जाने दिया जाएगा जब वो वैक्सीनेटेड हैं। ये कैसे पता चलेगा, क्या किसी कागज़ वाले कार्ड से? नो, क्योंकि कागज़ वाला कार्ड जो है बदल दिया जाता है। ये कैसे पता चलेगा, इस डिजिटल कार्ड से। हो सकता है इसी को आपके आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाए, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा कर दी है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य खाते की तरह ये आईडी होगी, स्वास्थ्य खाता। अब आप कहें कि मैंडेटरी नहीं हो सकता, मैंडेटरी तो आधार कार्ड भी नहीं है लीगली, लेकिन फिर भी आपको आज जब कहीं जाना है तो आपको वो दिखाना पड़ता है। आप ऐसे ही एयरपोर्ट में एंटर नहीं कर सकते बिना आधार कार्ड के। सिमिलरली कल ये हेल्थ आईडी ज़रूरी बन जाएगी। अब मैं आपको सब जो बात मैं बोल रही हूँ वो मैं दिखाती हूँ। पहले मैं आपको मार्च के महीने का एक पोस्ट दिखाती हूँ कि ये सब पहले से ही प्लानिंग चल रहा है। इनफैक्ट ये सब काफ़ी 2017 से ही प्लानिंग चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल रिसेंटली ये गेट्स ने कुछ आंसर्स, क्वेश्चंस आंसर्स किए हैं
रेडिट में, मैं उसका आपको पोस्ट दिखा रही हूँ। नचिकेत दरवाजा बंद करो बेटा। यस, सो हियर इट इज। What changes are we going to have to make to how businesses operate to maintain our economy while providing social distancing? पहले आप डेट देख लीजिए, ये कौन सी डेट का है। बिल्कुल स्टार्टिंग ये 19 मार्च का है, 19 मार्च 2020। Now I'm going to take you over there. Yeah. तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, दोबारा देख लीजिए। व्हाट चेंजेस आर वी गोइंग टू हैव टू मेक टू हाउ बिजनेसेस ऑपरेट टू मेंटेन अवर इकोनॉमी व्हाइल प्रोवाइडिंग सोशल डिस्टेंसिंग। इसका हिंदी मतलब भी मैं करती जा रही हूँ। किसी ने पूछा है कि हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे कि हमारा बिजनेस और इकोनॉमी जो है मेंटेन रहे और हम सोशल डिस्टेंस भी फॉलो करते रहें। तो उन्होंने आंसर लिखा है कि क्वेश्चन ऑफ विच बिजनेसेस शुड कीप गोइंग इज ट्रिकी। सर्टेनली फूड सप्लाई एंड हेल्थ सिस्टम, वी स्टिल नीड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंटरनेट। सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल थिंग्स नीड टू बी मेंटेन। कंट्रीज आर स्टिल फिगरिंग आउट व्हाट टू कीप रनिंग। ये जो लॉकडाउन वगैरह हुआ था, क्या खोलना है, क्या नहीं खोलना है, कब खोलना है, सब इन्हीं के अनुसार डिसाइड किया गया, जबकि ना ही कोई डॉक्टर है ना ही कोई अच्छे इकोनॉमिस्ट है। खैर, अब ये लाइन पढ़ने वाली है, देखिए। इवेंचुअली वी विल हैव सम डिजिटल सर्टिफिकेट्स टू शो हु हैज रिकवर्ड और बीन टेस्टेड रिसेंटली। तो ये तो अभी तक चल रहा है क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, तो हमें दिखाना पड़ता है 72 घंटे पहले की रिपोर्ट ले जाते हैं कि हाँ हम नेगेटिव हैं, तब आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने दिया जाएगा। अब आगे लाइन पढ़िए, और व्हेन वी हैव अ वैक्सीन हु हैज रिसीव्ड इट, मतलब जब वैक्सीन आ जाएगी तब ये दिखाना पड़ेगा कि किसने वैक्सीन ले ली है। तो ये जो आज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का जो ऐलान हुआ है, हर किसी को हेल्थ आईडी देने का ऐलान हुआ है, उसके पीछे मकसद है बिल गेट्स। इसमें साधारण जनता का कोई फायदा नहीं है, तो जुमलेबाद वाली बातों में मत आइएगा, जिंदगी भर के लिए गुलामी झेलनी पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलूं या ना बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर, ये आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। इवेंचुअली वी विल हैव सम डिजिटल सर्टिफिकेट्स टू शो हु हैज रिकवर्ड और बीन टेस्टेड रिसेंटली और व्हेन वी हैव अ वैक्सीन हु हैज रिसीव्ड इट। अब मेरी ही फेसबुक लाइन में जाकर के आप दोबारा से ये वीडियो वॉच करिएगा। मैंने उतना ही मिनट का इसमें वीडियो डाला है जब प्रधानमंत्री जी ने इस हेल्थ आईडी के बारे में बोलना शुरू किया है। अब वैक्सीन पे भी आ जाइए। वैक्सीन, ये पहली बात तो आपको पता है, कोविड यानी कोरोना वायरस कितनी जल्दी म्यूटेट करता है, और ये आज से नहीं 1930 से अचानक से वायरस आ गया। तो भाई म्यूटेट तो हमेशा से कर रहा है ना। आपने कहा ठीक है चाइना की लैब ने छोड़ा, WHO तो वो भी नहीं मान रहा कि लैब मेड है, वो तो इसको नेचुरल वायरस मान रहा है। अब उसके बाद ये टेस्ट होना शुरू हुआ, ये जीनोम सिक्वेंस चाइना ने दिया, फिर आप उस चाइना पर ही विश्वास कर रहे हैं, उसी जीनोम सिक्वेंस से टेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द अनदर क्वेश्चन। दूसरी चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ आपको कि अमेरिका में जो NIH के डायरेक्टर हैं, जो एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज़ के हेड हैं, डॉक्टर एंथनी फॉची, उनके बिल गेट्स के साथ क्या संबंध है सबको पता है, नहीं पता तो फिर भी मैं वो दोबारा दिखा दूँगी। उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि ओबामा जी के जो रेन था उस पीरियड में उन्होंने लगभग $3 million जो है वुहान लैब को दिए हैं। एंड ये मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा दे सकती हूँ इसी में, और आई एम जस्ट शोइंग दिस टू यू, दिस स्क्रीनशॉट, वेट अ व्हाइल, आई टेकन दैट स्क्रीनशॉट, अभी मेरे को मिल नहीं रहा है। खैर आप, यस इट इज़ हियर, ये लिंक भी है पूरा। This is the link. ये देखिए, वुहान लैब को 3.7 मिलियन ग्रांट मिला है फ्रॉम द US गवर्नमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं, लिंक मैं वीडियो खत्म होने के बाद शेयर कर दूंगी आपको। एंड अब आगे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ बिल गेट्स और NIH के हेड के लिंक्स हैं आपस में, आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, एंथनी फॉची, बिल गेट्स
एंड बिल गेट्स एट NIH इन 2018, और ये अपने जो है लाइव वीडियोस में, टेड टॉक्स में एंथनी फॉची के बारे में बोलते रहते हैं बिल गेट्स। वेट अ वाइल, आई एम जस्ट ठीक है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी बेटा। नाउ इसी का बात, इन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसमें भी इन्होंने 100% इम्यूनाइजेशन का जिक्र किया है। आई एम सॉरी थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब रहेगा कि मेरा बेटा आज घर पे है, आई एम जस्ट शोइंग दिस टू यू अगेन। तो देखिए कितनी अच्छे तरीके से इन लोगों ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आपको गूगल में ये पूरा PDF मिल सकता है। आप ये लाइन देखिए इसमें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हेल्थ चेकअप्स स्पेशली फॉर 100% इम्यूनाइजेशन इन स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स विल बी इशूड टू मॉनिटर द सेम। तो ये भी आपने देख लिया, मतलब बच्चों को स्कूल तब तक नहीं खुलेगा जब तक वो उनको वैक्सीनेशंस ना लग जाए, एंड दीज विल बी मैंडेटरी नाउ, व्हाट विल यू डू। और हम शुरुआती दौर से हम लोग इस बात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जब वैक्सीन नहीं आई थी बिल गेट्स के लिए बोल रहे थे हम, आप लोगों ने कहा बिल गेट्स जो कर रहा है अमेरिका में कर रहा है, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं कर रहा। पार्टनरशिप हुई बिल गेट्स के साथ, ICMR की पार्टनरशिप हुई, BBIL की पार्टनरशिप हुई, अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उन्होंने कि मात्र 225 रुपए में जो है वैक्सीन बांटी जाएगी। ठीक है, पर ये तो नहीं ना आप 225 रुपए में जहर बांट देंगे। दूसरा, ये जो वैक्सीन, नई वैक्सीन आ रही है, ये जायडस कैडिला की DNA वैक्सीन है। एंड यू नो पहले जो वैक्सीन्स होती थी उसमें आपके बॉडी में एंटीजन का प्रवेश किया जाता था, अब ये DNA का प्रवेश किया जाएगा। तो व्हाट इज़ द गारंटी, वेयर इज़ द गारंटी, ये DNA आपके साइटोप्लाज्म में जाके आपके डिफॉल्ट जीनोम को नहीं ऑल्टर करेगा, और क्या ये डिजीज़ इतनी डेडली है कि हमें इसके लिए वैक्सीन की ज़रूरत हो जाएगी। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को क्यों रेगुलेट कर रही है, दिस इज़ माई बॉडी, दिस शुड बी माई ऑन चॉइस। तो जब अगर ये हेल्थ कार्ड आ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि जिसको लगाना है लगाओ, जिसको लगाना है नहीं लगाओ, जो नहीं लगाएगा उसको सोसाइटी से आउटकास्ट कर दिया जाएगा, उसको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा। और जरा इसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, अगर ये चीज़ मैंडेटरी हो गई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आप जरा दिमाग में जोर डाल के सोचिए। आपका लिए कैशलेस सोसाइटी आ जाएगी, और अगर किसी ने भी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो डिजिटल ID आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, ना आप कहीं जा पाएंगे, ना आप कोई बिजनेस कर पाएंगे, ना आप कहीं कोई जॉब कर पाएंगे। तो दिस इज़ इट नॉट अ स्लेवरी, इज इट रियली इंडिपेंडेंस, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू। एंड वन मोर थिंग, मैं एक और आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ। आपने देखा पूरा का पूरा खौफनाक मीडिया ने बना रखा है इस कोविड को, और ऊपर से WHO भी आए दिन जो है वार्निंग जारी करता है। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो बिल गेट्स का दिखाना चाहती हूँ, ये पैंडेमिक 2 की घोषणा कर रहे हैं, और देखिए इनके चेहरे की स्माइल देखिए कि कितना कॉन्फिडेंट है। आई एम शोइंग इट टू यू, एक्चुअली माई फोन इज टू मच हैंग्ड। या What else are we not listening to that we need to take action on now? Well, the idea of a bioterrorist attack is kind of the nightmare scenario, because they're a pathogen with a high death rate would be picked. Now, the good news is, not trying to depression, it's tough enough. Too late. Right now, too that late. Most of the work we're going to do to be ready for pandemic 2, I call this pandemic 1, most of the work we'll do to be ready for that are also the things we need to do to minimize the threat of bioterrorism. तो आपने देखा यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से बोला पैंडेमिक 2, मतलब इन्हें पहले से पता रहता है, ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। और जैसे कि वैक्सीन सक्सेसफुल होंगी, पहले से ही ये सब वैक्सीन वगैरह सब जो है पेटेंट हो चुकी हैं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। अब सबको ये लगेगा तो ऑलरेडी इतने अमीर आदमी हैं, इनको क्या मतलब है कि और पैसा कमाने की, इनको क्या होगी। ठीक है, अमीर हैं, बट यू नो कोई कंट्रोल फ्रीक भी होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है कंट्रोल फ्रीक तो साइकोलॉजी में पढ़िएगा कि कंट्रोल फ्रीक क्या होता है। तो सत्ता का, डोमिनेंस का शौक हर किसी का,
दूसरा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे, वो क्यों अपनी पॉपुलैरिटी कम करेंगे। ऑफकोर्स कोई नहीं करेगा, बट ये तो एक डिजिटल डिक्टेटरशिप की शुरुआत है और हर कोई वो ये तो चाहेंगे ना कि मेरा जो परपेचुटी हमेशा बनी रहे। कैन यू इमेजिन कि ऐसे में क्या इलेक्शंस कैसे हो पाएंगे? या आप आज हम लोग हिंदू मुस्लिम करके डरते हैं कि ठीक है, कोई मुस्लिम, अक्सर मैं जो लोगों से सुनती हूँ यही सुनती हूँ कि नहीं, आप जो हैं गलत कर रहे हैं, आप हिंदू हैं तो आपको बीजेपी को वोट करना चाहिए। रैदर मैं तो अब बीजेपी नहीं, अब मैं मोदी और शाह जी की ही पार्टी इसको बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानती कि अभी बीजेपी पार्टी रह गई है। तो सब लोग मुझसे यही कहते हैं, आप हिंदू हैं तो अपने हिंदू के लिए सोचिए, आप गलत कर रही हैं। तो ठीक है, आप हिंदू मुस्लिम सोच के आप वोट दे रहे हैं। आप ये देखिए, कोई भी एम्प्लॉयमेंट सारी खत्म हो चुकी है, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। मैं ये कहूँगी कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। आपको जैसा पढ़ाया जा रहा है आप वो पढ़ रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हमारा जो कंट्री है वो मिक्स्ड इकोनॉमी से, सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। हर चीज़ प्राइवेटाइज होती जा रही है। अभी मैं कुछ दिनों पहले देख रही थी कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी आउटसोर्स कर रहे हैं। पेरिनियल नेचर ऑफ फोर्स को आप किस तरीके से आउटसोर्स कर सकते हैं? तो वो वेलफेयर स्टेट का जो स्ट्रक्चर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप ऐसे ही खत्म किए जा रहे हैं। आधार कार्ड लीगली मैंडेटरी नहीं है, बट आपने इंस्टीट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया। अब ये वैक्सीनेशंस को भी आप मैंडेटरी करेंगे। और अगर ठीक है, आधार कार्ड इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये हेल्थ का मामला है। मेरे को तो नहीं लग रहा कि मैं अपने बच्चे को मैं डीएनए वैक्सीन लगाऊं, मुझे तो भरोसा ही नहीं है वैक्सीन पर। जब मैं ऐसे ही ठीक हूं तो मुझे वैक्सीन की क्या जरूरत है? तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या आवाज़ उठा सकती हूं? क्या मैं अपने बच्चे को कल स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी? खैर, आप आगे कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, यही होगा। लेकिन वेट एंड वॉच कब तक करेंगे हम लोग? और हम लोगों को भी आकर के इन्होंने ऐलान कर दिया, बट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कुछ बताते किस तरीके का होगा, क्या होगा, क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, सिर्फ ऐलान कर देना ही एकमात्र हल नहीं है। और दूसरी चीज़ और मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आप एक बार ये वीडियो देखिए। कुछ टाइम पहले इन्होंने 2-3 बार जो है WHO के जो DG थे, सॉरी बीच में कॉल आ रही है, आई कैन नॉट रिसीव योर कॉल, WHO के जो DG हैं टेड्रॉस, उन्होंने कुछ टाइम पहले क्या बल्कि 2-3 बार ये बात बोल दी है कि हम ओल्ड नॉर्मल में बैक नहीं जा पाएंगे और हमको ये न्यू नॉर्मल हमेशा। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन समबडी। प्लीज़ टी उमंग जी, अभी मत कॉल कीजिए, मैं लाइव वीडियो में हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है। हाँ, और WHO के चीफ की आप ये वीडियो आप देखिए तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से सब कुछ जो है पूरा प्री प्लान है। आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू, please don't call in between. Their citizens and roll out a comprehensive strategy focused on suppressing transmission and saving lives. If populations do not follow the basic public health principles of physical distancing, hand washing, wearing masks, cutting etiquette, and staying at home when sick, if the basics aren't followed, there is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. The answer, Sonia, is going to get worse and worse and worse. There will be no return to the old normal for the foreseeable future. देख लिया आपने, there will be no return to old normal in the foreseeable future. And what he is saying कि it is going to get worse and worse and worse. अब WHO के चीफ ये बात कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि पैंडेमिक वर्स हो रही है, सिर्फ एक डाटा के बलबूते पे आपको जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? 5 करोड़ जो है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस हर साल रिकॉर्ड होते हैं, 12 लाख लोग हर साल जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से मरते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एंड दूसरी चीज़, ये पैंडेमिक इसलिए भी वर्स नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूँ, केस फर्टेलिटी रेट दिन प्रतिदिन जो है घटती जा रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि आप कहाँ से डाटा लाते हैं, इट्स वेरी इजी, इज नॉट दैट टफ। केस फर्टेलिटी रेट आप लोग खुद भी निकाल सकते हैं, आपके पास जितने टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केसेज हैं उनको रखना है, जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केसेज इनटू 100 करेंगे तो केस फर्टेलिटी रेट निकल जाती है। और आज की डेट में केस फर्टेलिटी रेट 1.94% आ चुकी है, जबकि इनिशियली केस फर्टेलिटी रेट 3.5% थी। और केस रिकवरी रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, आज की डेट में केस रिकवरी रेट 71 point something आ चुकी है, मतलब 71% आ चुकी है। और केस रिकवरी रेट निकालने का भी सेम फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ रिकवर्ड पर्सन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कन्फर्म केसेज। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो आपको ये भी नहीं दिखाती है कि किस
तरीके से आंकड़े पढ़े जाने चाहिए। और जस्ट आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं हैशटैग इस कोरोना फोबिया से अपने फेसबुक टाइमलाइन में डालती रहती हूँ पोस्ट कि कितना केस रिकवरी बढ़ा है और कितना केस फैटलिटी रेट घटा है। और शुरुआत से भी मैंने डाल रखे हैं, फिलहाल मैं जुलाई के महीने का ही आपको दिखा रही हूँ। और ये आप देखिए, आप देख सकते हैं 25 जुलाई को केस रिकवरी रेट 64% था, केस फैटलिटी रेट 2.31% थी। 30 जुलाई को 64.8% केस रिकवरी रेट बढ़ी और केस फैटलिटी रेट 2.18% हो गई। और 1st ऑफ अगस्त को केस फैटलिटी रेट बढ़ गई 65.4% और केस फैटलिटी रेट और घट गई 2.13%। 4 अगस्त को ये 67.2% हो गई है केस रिकवरी रेट और केस फैटलिटी रेट 2%। और 11th ऑफ अगस्त को 70.3% और केस फैटलिटी रेट गिर के 1.98% हो गई। आज की आप निकालेंगे, मैंने यहाँ लिखी नहीं हुई है पर मैंने निकाल रखी है, जो आज की केस रिकवरी रेट है वो 71% है, यानी कि 70 से 71 हो चुकी है। और जो केस फैटलिटी रेट है वो 1.98% से 1.94% आ चुकी है। तो WHO के DG को आपने कहते सुना कि पैंडमिक इज गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स। इज इट रियली गेटिंग वर्स? डू यू थिंक सो? इज इट रियली गेटिंग वर्स? नो, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये दिखाता है नहीं। अब आप सोचेंगे मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि ये सब प्लान जो है बहुत पहले से इन्होंने जो है बहुत योजनाबद्ध तरीके से पूरा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म, पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ पूरा इन्होंने पूरा गठबंधन कर रखा है। और उसका एक वीडियो का कुछ अंश है मेरे पास, मैंने क्लिपिंग ले रखी है, बहुत लंबी वीडियो है इवेंट 201 की, बट मैंने वही क्लिपिंग ले रखी है और मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। यू जस्ट हैव टू वेट, आई एम जस्ट स्क्रोलिंग इट डाउन वेयर इट इज, या इट्स हियर, आई एम गोइंग टू शो यू। कंट्रीज आर रिएक्टिंग इन डिफरेंट वेज एज़ टू हाउ बेस्ट टू मैनेज देयर। I'm just going to take over the question directly. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. Question suniyega. Control of information should there be, and by whom, and how can false information be effectively challenged? And what if that false information is coming from companies or from governments? Yes, I'm just stopping it here. इन्होंने पूछा है कि ये जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब इसको फॉल्स इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं कि जो इनका पूरा का पूरा भांडा फोड़ करे, तो इस फॉल्स इन्फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए और किससे ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, इस बारे में पूरा डिस्कशन चल रहा है। और आप सुनिए आगे। Media platforms have to step forward and recognize the moment to assert that they're a technology platform and not a broadcaster is over. They in fact have to be a participant in broadcasting accurate information and partnering with the scientific and health communities to counterweight, if not flood the zone of accurate information, because to put the genie back in the bottle of the misinformation and disinformation is nigh impossible. One thing we haven't spoken about. Yeah. तो आपने यहाँ पे सुना इन्होंने क्या बोला, टू पुट द जीनी बैक इन टू द बॉटल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। एंड इन्होंने ये बात भी बोली कि हम लोगों को जो है साइंटिफिक जो हेल्थ साइंटिफिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी हमें जो है साझेदारी करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ इन लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से प्लानिंग किया हुआ है पीछे में, क्योंकि लाइव वीडियोज देखती हूँ बट वो मैंने अभी यहाँ कलेक्ट नहीं कर रखा है। तो WHO ने ही अपनी लाइव वीडियो में फेसबुक वगैरह इन सबको भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आ रही हैं उन पे जो है फैक्ट मीटर लगाना है, फैक्ट चेक करना है। और आप इनके फैक्ट चेक देखें तो पहले ही कर देते हैं ये लोग कि दिस इज अ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। आप पढ़िए तो इनके जो क्लेम्स होते हैं ना वो जस्टिफाई भी नहीं करते हैं लॉजिक्स को, क्योंकि जब इटली से आपने देखा था कि आपको रोज लाशों के ढेर दिखाए जा रहे हैं, तो आप देखिएगा एम्प्टी हॉस्पिटल्स या फिल्म योर हॉस्पिटल, हैशटैग फिल्म योर हॉस्पिटल्स करके फॉरेनर्स ने बहुत ये ट्रेंड चलाया था और सबने अपने अपने आसपास के हॉस्पिटल्स दिखाए थे कि दे वर एम्प्टी। एंड उस पे जब भी हम लोग शेयर करते थे फेसबुक पे तो एक वार्निंग आ जाती थी कि दिस इज अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। और जब आप पढ़िएगा उनके क्लेम्स तो उसमें ये लिखा होता था कि ये इन्फॉर्मेशन जो है फॉल्स नहीं है, सॉरी ये इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि अगर हॉस्पिटल एम्प्टी है तो हॉस्पिटल एम्प्टी होने का मतलब
ये नहीं है कि पैंडेमिक जो है फॉल्स है. हॉस्पिटल इसलिए एम्प्टी है क्योंकि ये लोग उस पोर्शन में गए थे कि जो कि हमने इलेक्टिव सर्जरीज के लिए रखा गया था. अगर इतनी ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी तो वो इलेक्टिव सर्जरीज का भी तो खाली पड़ा है, आप उसमें भी तो कर सकते थे. तो ये कोशिशें लोगों ने बहुत की हैं बट फॉल्स इन्फॉर्मेशन करके, फैक्ट चेक करके ये लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचना ही नहीं देना चाहते हैं. एंड आप इसी वीडियो को आगे और कंटिन्यूटी में देखिए. I'm wondering whether it's time to talk about this is a step up from the part of the government on enforcement actions against fake news. ये देखिए आपने आज सुना होगा स्टेप अप बाय द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इन्फोर्स्ड एक्शन अगेंस्ट द फेक न्यूज. तो ये आपने सुन लिया. तो यही हमारे गवर्नमेंट्स भी आजकल कर रही है. आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर. सो एंड वन मोर थिंग मुझे और भी जो बताना था आपको, मैंने पैंडेमिक टू के बारे में आपको बता दिया. WHO